क्लास फर्स्ट, ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन चैप्टर 5, पेज नंबर 29। तो बच्चे पेज नंबर 29 में हमारा चैप्टर 5th हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था फूड एंड शेल्टर ऑफ एनिमल्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं उनका भोजन भी अलग अलग होता है और अलग अलग तरीके से उनके खाना होता है, ठीक है। इसमें हमने सम ईट एनिमल्स ईट प्लांट्स पढ़े थे, जो जानवर घास पत्ते ही खाते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, है ना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, जैसे वो घास पत्तियाँ भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को मार के भी खाते हैं, और कुछ जानवर होते हैं जो अनाज के दाने खाते हैं। फिर हमने इसमें कुछ इंसेक्ट्स भी पढ़े थे, कीड़े मकोड़े भी पढ़े थे, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे कौन से जानवर कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। फिर हमने यहाँ पे पढ़े थे शेल्टर, यानी कि उनके घर अलग अलग होते हैं, जैसे बर्ड्स अपने लिए घोंसला बनाती है, जो पेट एनिमल होते हैं उनके लिए हम हाउस बनाते हैं, और जैसे स्नेक हो गया, रैबिट हो गया, वो बौरों में रहते हैं, है ना, और जो टाइगर हो गया, लायन हो गया, वो डेन में रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। तो बच्चा आज हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, तो पेज नंबर 35 ओपन कीजिए। पेज नंबर 35 में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, तो हम इसकी जो प्रैक्टिस टाइम में एक्सरसाइज है वो हम इसकी बुक में ही फिल करेंगे, क्वेश्चन आंसर हम अपनी कॉपी में करेंगे। तो सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चे आपके पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे लिजर्ड यानी कि छिपकली, कैनाल जो होता है डॉगी का हाउस, कुत्ते का हाउस, नेस्ट यानी कि घोंसला, लायन शेर और रैबिट खरगोश। तो आपने सेंटेंस को पढ़ना है और फिर लिखना है। फर्स्ट है वी कीप डॉग्स इन डैश, तो हमने लिखा कैनाल, हम डॉग्स को कहाँ रखते हैं, डॉग्स का जो घर होता है उसे कैनाल कहते हैं। सेकेंड आ डैश लिव्स इन बोरो, बोरो में कौन रहती है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रैबिट, तो हमने लिखा रैबिट। थर्ड आ डैश ईट्स इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, तो वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था लिजर्ड यानी कि छिपकली, छिपकली क्या होती है, छोटे मोटे कीड़ों को खाती है। फोर्थ पिजन मेक्स देयर डैश, तो जो पिजन कबूतर होते हैं वो अपने लिए घोंसला बनाते हैं। एंड फिफ्थ आर डैश लिव्स इन डैन, तो डैन में कौन रहता है, लायन यानी कि शेर जो है वो गुफा में रहता है। तो आपने इस प्रकार से जो आपके पास हिंट दे रखी है उसे देख के आपको फिल द ब्लैंक्स फिल करने हैं। नेक्स्ट बी वाला है टिक द करेक्ट वर्ड, आपको जो करेक्ट वर्ड है उस पर इस प्रकार से टिक करना है। सबसे पहला है वी कीप हॉर्स इन स्टेबल ये शेड, जो हॉर्स होते हैं घोड़े होते हैं उन्हें हम अस्तबल में रखते हैं, ये शेड इनके लिए टीन की जो शेड होती है वो बनाते हैं, तो हमें स्टेबल में रखते हैं अस्तबल में, ठीक है। सेकेंड लायंस एंड टाइगर्स लिव इन डेन ये नेस्ट, जो बाघ होते हैं शेर होते हैं वो गुफा में रहते हैं, घोंसले में रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं वो रहते हैं गुफा में, डैन में, ठीक है। इस प्रकार से आप टिक करते जाएंगे। थर्ड डॉग्स आर कैप्ट इन आ कॉप ये कैनाल, जो कुत्ता होता है उसको हम कुत्तों को कहाँ रखते हैं, कॉप यानी कि बाड़ा, कैनाल में रखते हैं, तो हम उनको कैनाल में रखते हैं। फोर्थ ग्रेन्स आर फूड फॉर बीज या हैन, जो ग्रेन्स होता है अनाज होता है वो किसका भोजन होता है, बीज मधुमक्खी का या हैन मुर्गी का, तो वो हैन का भोजन होता है, ओके। फिफ्थ है आपका अ बोरो इज़ द होम ऑफ कैट या रैबिट, तो बोरो जो है छेद होता है, जो होल होता है वो कौन करती हैं, खरगोश करती हैं, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो तो हम अपनी कॉपी में करेंगे, अब आगे बढ़ते अपना पेज टर्न कीजिए। आगे हमारा पेज में है टिक द करेक्ट आंसर, देखिए यहाँ पे आपके पास तीन तीन पिक्चर बन रखी है, आपको पिक्चर्स की हेल्प से देखना है। सबसे पहले आई लिव अ कैनाल आई एम, तो ये है डॉग, तो आप यहाँ पे डॉग की स्पेलिंग फिल करेंगे और डॉग के आगे टिक भी करेंगे। सेकेंड आई ईट ओनली ग्रास, तो कौन खाता है, डॉग, हैन या डियर, डियर खाती है, तो यहाँ पे आप डियर भी लिखेंगे और डियर में टिक करेंगे। थर्ड है आई एम कैप्ट इन स्टेबल आई एम, मैं अस्तबल में रहता हूँ तो मैं कौन हूँ, हॉर्स, तो आप यहाँ पे हॉर्स की स्पेलिंग भी लिखेंगे। फिर प्लेइंग एंड लर्निंग में है, आपको खेल खेल में सीखना है, तो आपको यहाँ पे एनिमल्स दे रखे हैं, यहाँ पे उनके घर दे रखे हैं, तो आपको टिक करना है।
जैसे हॉर्स हमारा रहता है स्टेबल में, डॉग हमारा रहता है कैनाल में, काउ हमारी रहती है शेड में, एंड बर्ड हमारी रहती है नेस्ट में। ओके, तो इस प्रकार करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा आपके पास दे रखा है द नेम्स ऑफ होम्स ऑफ सिक्स एनिमल्स। सिक्स एनिमल्स के घर दे रखे हैं। गिवन वन साइड आर हिडन इन द वर्ल्ड ऑफ सर्च, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि आपके पास जो अलग अलग जानवर है ना, और इनके घर दे रखे हैं, तो आपने इनको छांटना है। सबसे पहले इन्होंने एक घर तो खुद ही दे रखा है, डेन, डी ई एन। तो डेन किसका घर है? आपको पता है लैन का घर डेन है। अब हम हॉर्स का घर ढूंढते हैं, तो हॉर्स का घर कौन सा होता है? स्टेबल। तो ये स्टेबल की स्पेलिंग ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेबल की स्पेलिंग लिखनी है। फिर दूसरा घर है नेस्ट। नेस्ट किसका घर होता है? बर्ड का। तो नेस्ट की स्पेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एन ई एस टी, नेस्ट, इस प्रकार से। अब फिर आपके पास ये हैन, तो हैन आपको पता है हैन रहता है कॉप में, कॉप होता है इनका, बाड़ा जो होता है उसको कॉप कहते हैं, उसमें ये रहते हैं। और रैबिट कहाँ रहती है? रैबिट रहती है बोरो में, ठीक है। तो यहाँ पे बोरो की स्पेलिंग है, यहाँ से आप बैरो की स्पेलिंग देखेंगे, बी यू ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? और डॉग, डो डॉग तो आपको पता ही है, डॉग कहाँ रहता है? कैनाल में, कैनाल की स्पेलिंग भी ये रही, कैनाल। इस प्रकार से आप स्पेलिंग सर्च करेंगे और इनको इनमें पेंसिल से मार्क करेंगे। इतनी एक्सरसाइज तो आपको अपनी बुक में करनी है, बाकी क्वेश्चन आंसर जो होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हम कॉपी में करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी हम फिर से कॉपी में करेंगे। तो आज आप अपनी बुक भरिए। ओके।